चलते हैं एंड उसके बाद वहाँ पे मैं मिलती हूँ। ओके, अभी रेडी हो रही हूँ, एक कान की बाली पहनी पहनी हुई है, उसका पेज लूज आ रहा है, तो मैं पहनती हूँ, मिलती हूँ। मेकअप कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करिएगा। तो चलिए बाद में मिलते हैं। थोड़ा यहाँ पे दीदी तैयार हो रही थी, दीदी ने ये वाली साड़ी पहनी है एंड उन्हें थोड़ा ठंड लग रही थी इसलिए उन्होंने स्वेटर पहना है। मैं भी अपना कोट वगैरह लेकर जाऊँगी, जब भी ठंड लगी तब पहन लूँगी, आते जाते ही पहनना था बस मैंने, एंड वहाँ पे नहीं पहनूँगी क्योंकि ये साड़ी ही काफ़ी हैवी है तो ठंड नहीं लगती है। आप ब्लाउज देख सकते हो, उस पर सिक्वेंस वर्क है, बहुत ज़्यादा हैवी वर्क है तो उससे ना ठंड कम लगती है। एंड यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी है, अपनी साड़ी वगैरह पिनअप कर ली है मैंने, तो ये मेरा फाइनल लुक है। यहाँ पर मैं टोटली तैयार हो चुकी हूँ एंड अपनी कमरबंद वगैरह भी पहन ली है, ये साड़ी पहनी है, कैसी लग रही प्लीज़ मुझे बताइएगा। चलिए अब चलते हैं, हेयर स्टाइल दीदी ने किया है और मैंने यहाँ पे चोटी बनाई है लूज सी बिल्कुल, ठीक है। तो मेकअप कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो बस मुझे रिंग पहननी है एंड बस चल चलते हैं, मिलते हैं फिर। सर चलिए चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे कि सगाई हो रही है, पूजा वगैरह हो रही है। तो ये तिलक में सामान आया था दुल्हन के घर से, तो ये सारा सामान है यहाँ पे, ये बेड वगैरह रखा हुआ है जो कि अभी यहीं पे है, अभी घर पे जाएगा, अभी तो हॉल में ही है, मतलब पैलेस में ही है अभी। तो ये सोफ़ा सेट है एंड ये अलमीरा है एंड वॉशिंग मशीन वगैरह ये सब थी, तो ये सब अभी रखा हुआ है ले आकर के, अभी घर पर जाके ओपन इसे करेंगे। तो चलिए अब दिखाती हूँ जहाँ पे सगाई हो रही है एंड अपना थोड़ा सा लुक दिखाती हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ये फ्रूट वगैरह के मतलब टोकरी वगैरह थी काफ़ी सारी, तो मैं दीदी मेरा लुक ले रही है थोड़ा सा। सर देखिए इस टाइप से भी मैंने पल्ला रखा हुआ था सर के ऊपर। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ लड़का कौन है। यहाँ पे एक भाभी मिल गई थी, ये पड़ोस में ही रहते थे, अभी काफ़ी अभी इन्होंने अपना घर ले लिया कहीं दूर,
वहाँ पे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे मिलन हो गया था। यहाँ फोटो वगैरह क्लिक की मैंने इन सब की, एंड यहाँ पे हो रही है पूजा वगैरह। यहाँ पे बच्चे डांस वगैरह कर रहे थे, साउंड काफ़ी था इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। मम्मी जी आ गए यहाँ पे, तो मम्मी जी कह रहे हैं उनकी फ़ोटो ले लो। तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए पूजा वगैरह हो रही है। इन्होंने सर के ऊपर रुमाल बांधा हुआ है, राइट हैंड पे इनकी थी सगाई तिलक। चलिए अब चलते हैं घर पे, फिर मिलती हूँ मैं। सब यहाँ पे मैं घर पे आ चुकी थी। चलिए अब दिखाते हैं अपने पायल भी क्लोज से। स्टार्टिंग में दिखाया थोड़ा सा मैंने, वो एक बच्चे ने लिया था ऐसे ही, तो मैंने सोचा कि मैं खुद से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए निशान वगैरह पड़ गए हैं, क्योंकि ये जो हील है अभी न्यू है, तो थोड़ी टाइट रहती है ना, मतलब फिटिंग है, फिट के साइज की है बिल्कुल, तो थोड़े से निशान वगैरह पड़ जाते हैं। देखिए मैंने वार्मर पहन रखा था, इसमें ठंड नहीं लगी ज़्यादा। तो ये हमारे पायल है जो कि मम्मी ने मुझे दिलवाई थी उस दिन, मैंने आप ब्लॉग बनाया था इससे पहले वाला, अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा पायलें मतलब पौजे वेयर कर करके देखी थी, बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर। तो इसके बाद फाइनल मैंने यही वाली की थी, ये क्लोज से आप देख सकते हो। तो मैंने ये इसलिए लिया था क्योंकि ना इसका कलर वगैरह जाएगा नहीं, इस टाइप से ही रहेगी, जो काफ़ी वाइट में रहती है ना, सिल्वर वाली, वो वाली वाइट वाली, तो वो थोड़ी सी ना कुछ टाइम बाद वो मतलब थोड़ी सी ना मतलब ब्लैक में आ जाती है, तो उसको बार बार साफ़ कराना पड़ता है। तो इसलिए फिर ये वाली थी, थोड़ी ना अलग सी लगी थी, एंटिक सा तो अच्छा लगा था, एंड थोड़ी गर्लिश टाइप है ना ये, तो लेटेस्ट डिज़ाइन टाइप लगा था मुझे, तो फिर मैंने ले लिया। ऐसी मैंने देखी नहीं थी पहले, ऐसी मैंने ऐसी जो एडिशन आती है उसमें ही देखा था ये डिज़ाइन वगैरह। तो फिर ये मुझे वहाँ पे सिल्वर में मिल गई, तो मैंने यही वाली पसंद करके ले ली। गए थे हम पजेब लेने गए थे, दूसरी जो घुंघरू वाली होती है, लेकिन ये पसंद आ गई। ये भी कोई हल्की नहीं है, ये भी काफ़ी हैवी है। तो फिर यही पसंद की। अपने सगाई में से आ चुकी है, मैंने जैसे कि आप लोगों को दिखा होगा, वहाँ तिलक वगैरह हो रहा था, सगाई वगैरह हो रही थी। सगाई में वो तिलक जो चढ़ता है बस वही था, एंड वहाँ पर खाना पीना था, हमने खा लिया अच्छे तरीके से, एंड घर पे आ चुके हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे बैकग्राउंड में, एंड अब मैं जा रही हूँ चेंज करने अपनी साड़ी को, कैसे लगते हैं। तो फ्रेंड चलिए मैं आप चेंज करती हूँ, एंड सामान देखिए कितना बिखरा हुआ है, कितना ज़्यादा पूरा बेड भरा हुआ है, तो सब मैं क्लीन करूँगी चेंज करने के बाद। तो अपनी साड़ी को मैं चेंज, किस साड़ी कैसी लग रही थी प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट डाउन करिएगा। एंड जा रही हूँ साड़ी वगैरह पहनूंगी, नाइट वेयर पहनूंगी, उसके बाद हम फेस वॉश वगैरह करूँगी एंड इयरिंग्स वगैरह निकालूंगी। तो आप कमेंट करिएगा कि ये मेरा लुक कैसा लग रहा था। तो फ्रेंड चलिए इस ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, कैसा लगा आज का ब्लॉग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। एंड इस टाइप के ब्लॉग देखने के लिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग करते क्यों नहीं हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़ जाइए, एंड जल्दी से हम लोग 10K अचीव करें जल्दी से। पहले तो हम 5K करेंगे, उसके बाद 10K करेंगे। मेरा दूसरा चैनल था वहाँ पे 28K हैं, लेकिन आप लोग प्लीज़ इस चैनल को भी सपोर्ट करें उसी तरह तरीके से। एंड यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ अभी, क्योंकि मैंने ये ब्लॉग का चैनल न्यू ओपन किया, लेकिन आप लोग कमेंट वगैरह अपना कर सकते हैं अपनी चॉइस की वीडियो के लिए। मैं जो मुझे अच्छा लगेगा, जो वीडियो मैं बना सकूंगी, मैं ज़रूर से कोशिश करूंगी, ट्राई करूंगी कि आपके पसंद की मैं वीडियो बनाऊं। जो भी आपको पसंद आती है वीडियो, मतलब जैसे भी आपकी चॉइस होती है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं मुझे मेरी वीडियो के नीचे, ब्लॉग के नीचे। ब्लॉग देखना चाहते हैं ब्लॉग के लिए भी कमेंट कर सकते हो, किसी चीज़ के लिए भी, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल प्लीज़ मैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ब्लॉग को भी ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है अभी, तो अभी थोड़ा काम भी करना है, सब हटाना वगैरह है। तो चलिए इस ब्लॉग को ही ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय फ्रेंड्स, बाय।